नमस्कार साथियों, हमारे समक्ष है वर्कशीट 19, जहां पर बीजीय व्यंजकों का योग करेंगे हम। चलिए योग कर लेते हैं फिर। ठीक है, पहला प्रश्न है पी की घात 2-7 पी क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर को इसके साथ जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। प्रश्न है पी स्क्वेयर माइनस 7 पी क्यू ऋण क्यू स्क्वेयर। ठीक है, ये लिखा, क्या करना है, जोड़ना है, तो भाई जोड़ का निशान लगा दो। ऋण 3 क्यू स्क्वेयर ऋण 2 पी क्यू धन 7 क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अब पी स्क्वेयर माइनस 7 पी क्यू ऋण क्यू स्क्वेयर कोष्टक खोलेंगे तो इस प्लस यानी धन के कारण चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, करेंगे जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो क्या रहेगा, ऋण 3 पी स्क्वेयर माइनस 2 पी क्यू धन 7 क्यू स्क्वेयर। अब सजातियों को पास में लिख दीजिए, ये पी स्क्वेयर, कहीं पी स्क्वेयर है तो ये रहा भैया, तो देखिए यह पी और यह पी, ये धन का है ये ऋण का है, ये एक पी स्क्वेयर है, ये ऋण के 3 पी स्क्वेयर है, ऋण के 3 पी स्क्वेयर में से एक जाएगा कितना बचेगा, ऋण के 2 पी स्क्वेयर। ठीक है, ये और ये हल हो गया। अब देखिए 7 पी क्यू, ये 2 पी क्यू, दोनों ही ऋण के है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, तो 7 और 2 हो जाएंगे आपके 9 पी क्यू। ठीक है, ये भी हल हो गया। अब ये क्यू स्क्वेयर, ये 7 क्यू स्क्वेयर, ये ऋण का ये धन का, समान चिन्ह है तो घटेंगे, तो 7 क्यू स्क्वेयर में से एक गया तो क्या बचेंगे, धन के 6 क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है इसको और इसको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। ए बी धन बी सी धन ए सी। ठीक है, जोड़ने का बोला तो दोनों के मध्य जोड़ का निशान लगाया। ऋण बी सी ऋण सी ए ऋण ए बी। ठीक है, कोष्ठक खोल दीजिए, ए धन बी, ए बी धन बी सी धन ए सी, सॉरी कोष्ठक खोलेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये ऋण बी सी ऋण सी ए ऋण ए बी। अब सजातियों को देखिए, देखो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, तो ए बी में से ए बी गया तो क्या बचेगा, क्योंकि ये धन का है ये ऋण का है, तो क्या बचेगा, जीरो। ये बी सी, ये बी सी, ये धन का ये ऋण का, तो क्या बचेगा, जीरो। ये ए सी, ये सी ए कहो या ए सी कहो, बात एक ही है, तो क्या बचेगा, यहां भी जीरो। कुल मिला के क्या उत्तर आएगा आपका, जीरो। पर 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, तो हमें इनको योग करना है, तो 3 बीजीय व्यंजकों को लिखिए और इनके मध्य योग यानी जोड़ का निशान लगाइए। ये हमने इनको जोड़ के मध्य लिख दिया है। अगले स्टेप में हम कोष्टक खोलेंगे तो धन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो जैसा चिन्ह है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर सजातीय व्यंजक 2y स्क्वेयर में से 1y स्क्वेयर जाएगा तो कितना बचेगा, y स्क्वेयर बचेगा। यहाँ पर 3yz 2 बार 3 बार है, तो 3yz और 1yz 4yz हो जाएगा, और वो 4 में से एक जाएगा तो 3yz, और अंत में बचेगा 2z स्क्वेयर, कुछ है ही नहीं इसके जैसा, तो भैया इसको 2z स्क्वेयर को एज इट इज लिख देंगे। यह प्राप्त हो गया हमें बीजीय व्यंजकों का योग। अगला है किसी वर्ग की एक भुजा की माप यह है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। वर्ग कौन, वह आकृति जिसकी चारों ही भुजा क्या हो, बराबर हो। एक भुजा दी गई है तो उसका परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप वैसे क्या होता है, 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो 4 गुणित 1 भुजा कितनी दी गई, दी गई लिख दीजिए 4x धन 5y। अब 4 का गुणा पूरे में कर दीजिए, तो कर देते हैं 4 चौक 16x 4 पंजे 20y, ये आ गया उसका परिमाप। अगला प्रश्न है रोहन के घर से स्कूल की दूरी ये है y-5 मीटर,
तो आने जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी रोहन घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, यानी इसका योग होगा। तो रोहन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? ये गया भाई घर से स्कूल, और ये आया स्कूल से घर, बस दोनों दूरी जोड़ दीजिए। तो y माइनस 5, ये कोष्टक खोल लेंगे तो y ऋण 5, ठीक है। तो क्या होगा, ये y तो कितने y हो गए, 2y हो गए, ये ऋण के 5, ये ऋण के 5, तो ऋण के 10 हो गए, ठीक है। ये दूरी आ गई, और उसका मात्रक क्या है, मीटर। यानी रोहन स्कूल घर से स्कूल और स्कूल से घर कितनी दूरी तय करेगा, तो इतनी दूरी तय करेगा। आशा है वर्कशीट 19 आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।